जय हिंद। इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया का आज हमारा 20वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट वेरियस एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया के बारे में। इंडिया में पॉवर्टी को कैलकुलेट करने की कई बार कोशिश की गई है, उन्हीं एस्टिमेट्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। इस पूरे टॉपिक को हम दो सेक्शंस में डिवाइड करके देखते हैं। एक तो हम बात करेंगे प्री इंडिपेंडेंस एस्टिमेट्स के बारे में और दूसरा, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस एस्टिमेट्स के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री इंडिपेंडेंस एस्टिमेट्स के बारे में। प्री इंडिपेंडेंस पॉवर्टी के एस्टिमेट्स निकालने की कोशिश कैसे कैसे की गई। सबसे पहली बार ये कोशिश करी दादाभाई नेहरू जी ने। किसने की? दादाभाई नेहरू जी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी किताब थी? दादाभाई नेहरू जी की किताब थी। और इस किताब में दादाभाई नेहरू जी बात करेंगे सब्सिस्टेंस बेस्ड पॉवर्टी लाइन के बारे में। दादाभाई नेहरू जी इसको पॉवर्टी लाइन नहीं बुलाएंगे, बुलाएंगे सब्सटेंस बेस्ड पॉवर्टी लाइन। सब्सटेंस का मतलब होता है सर्वाइवल, कि सर्वाइवल के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो दादाभाई नेहरू जी बात कर रहे हैं सब्सटेंस बेस्ड पॉवर्टी लाइन के बारे में। और क्या कहा कि 1867-68 के प्राइसेस के अकॉर्डिंग 16 रुपए से 35 रुपए पर कैपिटा पर ईयर इज द सब्सटेंस बेस्ड पॉवर्टी लाइन। सबसे पहली कोशिश पॉवर्टी को एस्टिमेट करने की हमारे कंट्री में किसने करी? दादाभाई नेहरू जी ने की, अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। और दादाभाई नेहरू जी ने बात की सब्सटेंस बेस्ड पॉवर्टी लाइन के बारे में और क्या कहा कि 1867-68 के प्राइसेस के अकॉर्डिंग 16 रुपए से 35 रुपए पर कैपिटा पर ईयर इज द सब्सटेंस बेस्ड पॉवर्टी लाइन। कि अगर किसी इंसान को सर्वाइव करना है तो कम से कम इतना तो उसके पास में होना ही होना चाहिए। फिर 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया गया और ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी है इसको हेड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेशनल प्लानिंग कमेटी ये कहेगी कि मिनिमम इनकम होनी चाहिए 15 रुपए से 25 रुपए के बीच में पर कैपिटा पर मंथ। ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी है जिसको हेड कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये क्या कहेगी कि मिनिमम इनकम 15 रुपए से 25 रुपए के बीच में होनी चाहिए पर कैपिटा पर मंथ। हालांकि नेशनल प्लानिंग कमेटी इस नंबर को पॉवर्टी लाइन नहीं बुलाएगी, ऑफिशियली ये नहीं कहेगी कि ये हमारी पॉवर्टी लाइन है, लेकिन सेंस वही है कि कम से कम 15 रुपए से 25 रुपए के बीच में अगर पर कैपिटा पर मंथ आपको मिल रहा है तो आप अबव पॉवर्टी लाइन हो, अदरवाइज आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो। फिर 1944 में बॉम्बे प्लान आया और ये जो बॉम्बे प्लान है ये कहेगा कि इंडिया में पॉवर्टी लाइन है 75 रुपीज पर कैपिटा पर ईयर। बॉम्बे प्लान के अकॉर्डिंग पॉवर्टी लाइन क्या थी? 75 रुपीज पर कैपिटा पर ईयर। बहुत सिंपल। सबसे पहली कोशिश किसने करी? दादाभाई नेहरू जी ने की और दादाभाई नेहरू जी बात करेंगे सब्सटेंस बेस्ड पॉवर्टी लाइन के बारे में और कहेंगे कि 1867-68 के प्राइसेस के अकॉर्डिंग 16 से 35 रुपए पर कैपिटा पर ईयर इज द सब्सटेंस बेस्ड पॉवर्टी लाइन। दूसरी 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी क्या कहेगी कि मिनिमम इनकम 15 रुपए से 25 रुपए के बीच में होनी चाहिए पर कैपिटा पर मंथ। और 1944 का बॉम्बे प्लान क्या कहेगा कि पॉवर्टी लाइन इज 75 रुपीज पर कैपिटा पर ईयर। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं प्री इंडिपेंडेंस के बारे में, उस टाइम के बारे में जब हमारे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमारे वेलफेयर से बहुत ज़्यादा लेना देना था नहीं। जो इंपॉर्टेंट है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस एस्टिमेट्स। हमें आज़ादी मिली, हमारी अपनी सरकार बनी और उसके बाद सरकार ने कई सारी स्टडीज़ को कंडक्ट करवाया पॉवर्टी के एस्टिमेट्स को निकालने के लिए। स्टडीज़ कंडक्ट करवाई गई और फिर कुछ कमेटीज फॉर्म की गई। जैसे सबसे पहली बार डांडेकर एंड रथ कमेटी को फॉर्म किया गया। डांडेकर एंड रथ कमेटी को फॉर्म किया गया अंडर प्लानिंग कमीशन। और ये जो डांडेकर एंड रथ कमेटी है ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी 1971 में। कब सबमिट करेगी? 1971 में। डांडेकर एंड रथ कमेटी डेटा यूज़ करेगी 1960-61 का। प्लानिंग कमीशन के अंडर इसको फॉर्म किया गया, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1971 में और ये डेटा यूज़ करेगी 1960-61 का। इम्पॉर्टेंट क्या है, ये पहली कमेटी थी जो कि कैलरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन के बारे में बातचीत करेगी, जो कि कैलरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन को प्रोवाइड करेगी। इससे पहले तक बात हो रही थी मॉनेटरी टर्म्स में, लेकिन डांडेकर एंड रथ कमेटी बात करेगी कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन के बारे में। डांडेकर एंड रथ कमेटी क्या कहेगी कि अगर कोई इंसान एक दिन में 2250 कैलोरीज को कंज्यूम कर पा रहा है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है।
अदरवाइज वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और कैलोरीज क्या होती हैं? बेसिकली फूड का इनटेक, एनर्जी का इनटेक। और ये जो डांडेकर एंड रथ कमेटी है ये क्या कह रही है इस कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन के तहत, कि अगर कोई इंसान पर डे 2250 कैलोरीज जितना अफोर्ड कर पा रहा है, कंज्यूम कर पा रहा है, तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है। और इसको आप मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो। पूछो किसी इंसान से जाके कि भाई तू क्या खाता है, उसने बोला कि मैं अंडा खाता हूँ, मैं दूध पीता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ, मैं दाल खाता हूँ, मैं पूरे दिन में इतना ही अफोर्ड कर पाता हूँ। ये जो उसका मील है इसकी कैलोरीज निकाल लो। अगर वो कैलोरीज जो हैं वो 2250 से ज़्यादा आ रही हैं, 2250 आ रही हैं, विच मीन्स कि वो अबव पॉवर्टी लाइन है। और आपको मॉनेटरी टर्म्स में भी पता चल जाएगा एग कितने का है, मिल्क कितने का है, रोटी कितने की है, दाल कितने की है, उसके पैसे निकाल लो तो आपको मॉनेटरी फिगर भी मिल जाएगा। लेकिन हाँ, असेंशली डांडेकर एंड रथ कमेटी क्या कह रही है, डांडेकर एंड रथ कमेटी बात कर रही है कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन के बारे में। और क्या कह रही है कि अगर कोई इंसान एक दिन में 2250 कैलोरीज जितना कंजम्पशन कर पा रहा है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है। डांडेकर एंड रथ कमेटी के अकॉर्डिंग हेड काउंट रेशियो रूरल एरियाज में कितना आया, 40% आया। और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि हेड काउंट रेशियो क्या होता है अब तक आपको रट गया होगा। डांडेकर एंड रथ कमेटी कह रही है कि रूरल एरियाज में हेड काउंट रेशियो कितना है, 40%, और अर्बन एरियाज में हेड काउंट रेशियो कितना है, 50% है। कितना है? 50% है। अच्छा, डांडेकर एंड रथ कमेटी, इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि इसने कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन के बारे में बातचीत करी। फिर बनाई गई अलग टास्क फोर्स। क्या बनाई गई? अलग टास्क फोर्स। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1977 में। कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया? 1977 में। और इस टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1979 में। कब रिपोर्ट सबमिट करी? 1979 में। और इस अलग टास्क फोर्स ने डेटा यूज़ करा 1973-74 का। कब का डेटा यूज़ किया? 1973-74 का। और इसने वही कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन के बारे में बातचीत करी, लेकिन इसने रूरल एरियाज़ के लिए अलग और अर्बन एरियाज़ के अलग पॉवर्टी लाइन को प्रोवाइड किया। रूरल एरियाज के लिए अलग टास्क फोर्स ने कहा कि 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे इज द पॉवर्टी लाइन, और अर्बन एरियाज के लिए अलग टास्क फोर्स ने कहा कि 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे इज द पॉवर्टी लाइन। बेसिकली अलग टास्क फोर्स क्या कह रही है कि अगर गांव का इंसान 2400 कैलोरीज पर डे कंज्यूम कर पा रहा है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है, और अगर शहर का इंसान 2100 कैलोरीज पर डे कंज्यूम कर पा रहा है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है। अच्छा, एक सवाल ये भी हो सकता है कि रूरल एरियाज के लिए 2400 क्यों और अर्बन एरियाज के लिए 2100 क्यों? तो अलग टास्क फोर्स का ये मानना था कि गांव में लोग ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, गांव में लोग ज़्यादा कामकाज करते हैं, फिजिकल कामकाज ज़्यादा करते हैं, और इसलिए उनका कैलोरी का जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा होना चाहिए। बहुत बेसिक सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, अलग टास्क फोर्स ने अपनी बात कह दी। फिर बनाई गई लकड़वाल कमेटी। कौन सी कमेटी? लकड़वाल कमेटी। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1989 में। कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया? 1989 में। और इस लकड़वाल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1993 में। कब सबमिट करी? 1993 में। और लकड़वाल कमेटी ने डेटा यूज़ किया 1973-74 का। कब का डेटा यूज़ किया? 1973-74 का। और ये जो लकड़वाल कमेटी है ये भी कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन के बारे में ही बात करेगी, और इसने भी रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के लिए अलग पॉवर्टी लाइन प्रोवाइड करी। सेम वही पॉवर्टी लाइन प्रोवाइड करी जो कि अलग टास्क फोर्स ने प्रोवाइड की थी। लकड़वाल कमेटी भी क्या कहेगी कि देखो, रूरल एरियाज के लिए अगर कोई इंसान 2400 कैलोरी पर डे कंज्यूम कर पा रहा है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है, और अर्बन एरियाज के लिए अगर कोई इंसान 2100 कैलोरी पर डे कंज्यूम कर पा रहा है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है। लेकिन लकड़वाल कमेटी की खास बात क्या थी? लकड़वाल कमेटी स्टेट लेवल पॉवर्टी लाइन्स को प्रोवाइड करेगी। मतलब लकड़वाल कमेटी जो है वो स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन्स को प्रोवाइड करेगी। अब तक जितनी भी कमेटीज़ बनी थी वो ऑल इंडिया लेवल पे बात कर रहे थे कि ऑल इंडिया की पॉवर्टी लाइन ये है, लेकिन ये जो लकड़वाल कमेटी है ये बात करेगी स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन्स के बारे में। और ऑल इंडिया लेवल पे लकड़वाल कमेटी के अकॉर्डिंग हेड काउंट रेशियो कितना आया? 54.9%। मतलब लकड़वाल कमेटी के टाइम पे लगभग 55% इंडियंस जो हैं वो पॉवर्टी में लाए करते थे। देखो, बहुत सिंपल सी बातचीत है। प्री इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो सबसे पहली कोशिश दादा भाई नेहरू जी ने की अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। और दादा भाई नेहरू जी ने बात की सब्सटेंस बेस्ड पॉवर्टी लाइन के बारे में। क्या कहा? कि 16 से 35 रुपये पर कैपिटा पर ईयर इज द सब्सटेंस बेस्ड पॉवर्टी लाइन। फिर 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी ने कहा कि मिनिमम इनकम होनी चाहिए 15 से 25 रुपये पर कैपिटा पर मंथ।
फिर 1944 में बॉम्बे प्लान ने कहा कि पॉवर्टी लाइन है 75 रुपीज पर कैपिटा पर ईयर। जो इम्पॉर्टेंट है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस एस्टिमेट्स, डांडेकर एंड रथ कमेटी। ये जो डांडेकर एंड रथ कमेटी है इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? इसकी इम्पॉर्टेंस है कि इसने बात की कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन के बारे में, और क्या कहा कि अगर कोई इंसान पर डे 2250 कैलोरीज को कंज्यूम कर पा रहा है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है। देखो बहुत सिंपल है, एक पेज लो, एक पेज में एक साइड में लिखो कमेटीज के नाम, दूसरी साइड में लिखो कि उन्होंने किस साल का डेटा यूज़ किया है, उनकी रिपोर्ट कब आई है, तीसरी जगह पे लिखो कि उनमें स्पेशल क्या था। जैसे ये पहली कमेटी है जिसने कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन के बारे में बातचीत की है। और फिर फाइनली लिखो फैक्ट्स कि भैया इतनी पॉवर्टी लाइन 2250 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इसने पॉवर्टी लाइन के तौर पर बताया था। तो इसको अगर एक पेज पर लिख ले हुए इन सारी कमेटीज़ को तो आपको कंपेयर करने में ईजी होगा। मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था बिकॉज एक स्लाइड में पूरी चीज़ें बनाना वो अपने आप में चैलेंजिंग है, बहुत छोटा छोटा हो जाता है, दिखता नहीं है। लेकिन आप पेज पे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हो, और करोगे तो ही आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा बिकॉज कंपैरिजन आपको एक जगह पे दिखेगा। फिर दूसरी बनाई गई अलग टास्क फोर्स। ये जो अलग टास्क फोर्स है ये डेटा यूज़ करेगी 1973-74 का, लेकिन अलग टास्क फोर्स रूरल और अर्बन एरियाज़ के लिए अलग अलग पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करेगी। फिर बनाई गई लकड़वाल कमेटी। ये जो लकड़वाल कमेटी है ये लकड़वाल कमेटी सेम वही बातचीत करेगी जो अलग टास्क फोर्स करके गई, सेम वही रूरल और अर्बन एरियाज के लिए पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेट देगी, पूरा सेम वही डेटा देगी। लेकिन इसकी खास बातचीत क्या थी कि ये जो लकड़वाल कमेटी है ये स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन्स के बारे में भी बातचीत करेगी। अब तक सिर्फ ऑल इंडिया लेवल पर पॉवर्टी लाइन की बातचीत की जा रही थी, लेकिन लकड़वाल कमेटी हर एक स्टेट के लिए पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करके बताएगी। फिर बनाई गई द वेरी फेमस तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी को बनाया गया अंडर प्लानिंग कमीशन, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया 2005 में, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 2009 में, और ये जो तेंदुलकर कमेटी है ये डेटा यूज़ करेगी 2004-05 का। तेंदुलकर कमेटी जो है वो पॉवर्टी लाइन को कंस्ट्रक्ट करेगी ही नहीं, पॉवर्टी लाइन क्या है उसके बारे में तेंदुलकर कमेटी नहीं बताएगी। लेकिन तेंदुलकर कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस थी, और ये जो तेंदुलकर कमेटी है इसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी करेगी, तो मतलब वैलिड कमेटी है। तेंदुलकर कमेटी क्या कहेगी कि एक तो हमें अर्बन और रूरल एरियाज के लिए अलग अलग पॉवर्टी लाइन को नहीं निकालना चाहिए, यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन को निकालना चाहिए। मतलब अर्बन और रूरल एरियाज के लिए हमें सेम कंजम्पशन बास्केट को यूज़ करना चाहिए। भाई जब आप रूरल एरियाज़ के लिए अलग निकालोगे, अर्बन एरियाज़ के लिए अलग निकालोगे, तो आपका जो कंजम्पशन बास्केट होगा वो भी अलग होगा, आप जिन चीज़ों को कंसिडर कर रहे होगे वो भी अलग कर रहे होगे। लेकिन ये जो तेंदुलकर कमेटी ये क्या कहेगी कि हमें रूरल और अर्बन एरियाज़ के लिए यूनिफॉर्म कंजम्पशन बास्केट को यूज़ करना चाहिए, और उस यूनिफॉर्म कंजम्पशन बास्केट के बेसिस पे एक यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन को निकालना चाहिए। दूसरा, तेंदुलकर कमेटी बड़ा इंपॉर्टेंट ये कहेगी कि हमें यूआरपी मेथड, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, जिसमें रिकॉल पीरियड होता है 30 डेज का, उसको पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए, और हमें यूज़ करना चाहिए मिक्स्ड रिकॉल पीरियड को। कौन से पीरियड को? मिक्स्ड रिकॉल पीरियड को यूज़ करना चाहिए, जिसमें पिछले ही सेशन में अपन ने बातचीत की है कि नॉन फूड आइटम्स 5 थे उनके लिए रिकॉल पीरियड कितना था 365 डेज, और जो अदर आइटम्स थे उनके लिए रिकॉल पीरियड कितना था 30 डेज। बेहद इंपॉर्टेंट तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन क्या है कि हमें यूआरपी मेथड को पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए और हमें यूज करना चाहिए एमआरपी मेथड को, और इसके बाद से ही एमआरपी मेथड को यूज किया जाने लगा हमारी कंट्री में। दूसरा, ये जो तेंदुलकर कमेटी ये क्या कहेगी कि हमें हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर करते हैं लोग उसको भी अकाउंट में लेना चाहिए। अब तक हम सिर्फ कैलोरी को अकाउंट में ले रहे थे, लेकिन अब ये तेंदुलकर कमेटी क्या कह रही है कि हमें कैलोरी के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर लोग जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर करते हैं उसको भी अकाउंट में लेना चाहिए। और तीसरा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बोली गई कि सिर्फ कैलोरी को ही हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें कैलोरी के साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ दोनों के बारे में बातचीत करनी चाहिए। मतलब प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन और हेल्थ पे हो रहा है उसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए, विच मीन्स कि तेंदुलकर कमेटी जो है वो अपने होराइजन को थोड़ा ब्रॉड करना चाह रही है। तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग हेड काउंट रेशियो हमारे कंट्री में कितना था 37.2%। बेहद इंपॉर्टेंट है ये तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूट की गई 2005 में, रिपोर्ट कब सबमिट करी 2009 में, डेटा कब का यूज़ किया 2004-05 का। ये जो तेंदुलकर कमेटी है ये पॉवर्टी लाइन को कंस्ट्रक्ट करेगी ही नहीं,
ये कुछ रिकमेंडेशंस देगी। एक तो बोलेगी कि हमें यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन को रिलीज करना चाहिए बोथ अर्बन और रूरल एरियाज के लिए। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्या बोलेगी कि हमें यूआरपी मेथड को छोड़ के एमआरपी मेथड को यूज़ करना चाहिए, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड मेथड को यूज़ करना चाहिए। तीसरा बेहद इंपॉर्टेंट कि सिर्फ कैलोरी से काम नहीं चलेगा, हमें कैलोरी के साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर किया जाता है लोगों द्वारा उसको भी अकाउंट में लेना चाहिए। अच्छा, तेंदुलकर कमेटी बन गई। फिर आई रंगराजन कमेटी। हालांकि ये जो रंगराजन कमेटी है ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट करेगी लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये डिफरेंस है, याद रखना कि तेंदुलकर कमेटी को एक्सेप्ट किया सरकार ने, रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया, लेकिन रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। रंगराजन कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया 2012 में और रिपोर्ट सबमिट करी इसने 2014 में। रंगराजन कमेटी ने डेटा यूज़ किया 2011-12 का। कब का डेटा यूज़ किया? 2011-12 का डेटा यूज़ किया। ये जो रंगराजन कमेटी है वो एक बार फिर से ये बोलेगी कि हमें अर्बन और रूरल पॉवर्टी को अलग अलग कैलकुलेट करना चाहिए। जैसे लकड़वाल कमेटी कर रही थी वैसे हमें अर्बन और रूरल पॉवर्टी को अलग अलग कैलकुलेट करना चाहिए। तेंदुलकर कमेटी क्या कह रही थी कि हमें यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन को रिलीज करना चाहिए रूरल एरियाज के लिए, अर्बन एरियाज के लिए। लेकिन ये जो रंगराजन कमेटी है ये क्या कह रही है कि हमें अर्बन और रूरल पॉवर्टी को अलग अलग कैलकुलेट करना चाहिए। दूसरा, रंगराजन कमेटी बोलेगी कि हमें फूड और नॉन फूड आइटम्स दोनों को ही इंक्लूड करना चाहिए। हालांकि नॉन फूड आइटम्स की बातचीत तेंदुलकर कमेटी भी कर रही है, एजुकेशन और हेल्थ की बातचीत कर रही है, लेकिन ये जो रंगराजन कमेटी है ये और थोड़ा अपने होराइजन को ब्रॉडन करेगी। जैसे एजुकेशन के बारे में बात करो, हेल्थ के बारे में बात करो, लेकिन और भी चीज़ें जैसे हाउस रेंट है, जैसे कन्वीनियंस है, उस सब को भी आप इंक्लूड करो नॉन फूड आइटम्स में। मतलब और ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड करने की बात कर रही थी रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी ये कहेगी, इनफैक्ट रंगराजन कमेटी ने एमएमआरपी मेथड को यूज़ किया, मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड मेथड को यूज़ किया। तो रंगराजन कमेटी क्या चाहती थी कि हम एमआरपी मेथड को भी छोड़ दें और किस मेथड पे आएं, एमएमआरपी मेथड पे आएं। लेकिन पहले ही मैंने बोल दिया है कि रंगराजन कमेटी को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, तो आज भी हमारे यहाँ पे पॉवर्टी का एस्टिमेट कौन से मेथड से किया जाता है, एमआरपी मेथड से किया जाता है, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड मेथड से किया जाता है। लेकिन रंगराजन कमेटी कौन सा मेथड यूज़ करेगी, मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड को यूज़ करेगी। बेहद इंपॉर्टेंट, ये जो रंगराजन कमेटी है ये इंडिविजुअल लेवल पे पॉवर्टी के एस्टिमेट्स को कैलकुलेट नहीं करेगी। तेंदुलकर कमेटी जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पे पॉवर्टी के लेवल्स की बातचीत करेगी कि पर पर्सन कंजम्पशन कितना होना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग बातचीत कर रही है। लेकिन रंगराजन कमेटी क्या कहेगी कि हमें फैमिली ऑफ फाइव के बेसिस पे, कि पांच लोगों की फैमिली के लिए पॉवर्टी लाइन क्या होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पर बातचीत नहीं करनी चाहिए। ये जो रंगराजन कमेटी है इससे पहले तक जितनी भी कमेटीज़ हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर बात कर रही हैं। जैसे लकड़वाल कमेटी है, क्या कह रही है, 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे, मतलब इंडिविजुअल लेवल पर बात कर रही है। ये जो तेंदुलकर कमेटी है ये भी इंडिविजुअल लेवल पर बात करेगी। लेकिन रंगराजन कमेटी क्या कहेगी कि हमें इंडिविजुअल लेवल पर बात नहीं करनी चाहिए, हमें डेटा को कैलकुलेट करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली ऑफ फाइव, पांच लोगों की फैमिली है और फैमिली के लिए हमें पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करना चाहिए। और ये जो रंगराजन कमेटी है ये और थोड़ा नॉन फूड आइटम्स में तो अपना स्कोप जो है उसको ब्रॉडन कर ही रही है, फूड आइटम्स में भी अपने स्कोप को ब्रॉडन करेगी और बोलेगी कि हमें कैलोरी के साथ साथ फैट और प्रोटीन के इंटेक को भी अकाउंट में लेना चाहिए। और फैट और प्रोटीन का इंटेक कितना है वो हमें बताएगा ICMR। कौन बताएगा? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये जो रंगराजन कमेटी है वो थोड़ा और आगे जा रही है और ये बोल रही है कि हमें अपने स्कोप को और ब्रॉडन करना चाहिए। फूड आइटम्स में हम सिर्फ कैलोरी तक लिमिटेड नहीं रह सकते हैं, हमें फैट और प्रोटीन को भी इंक्लूड करना चाहिए। और नॉन फूड आइटम्स में हम सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ तक लिमिटेड नहीं रह सकते हैं, हमें और नॉन फूड आइटम्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। ये जो रंगराजन कमेटी है इसके अकॉर्डिंग हेड काउंट रेशियो कितना आएगा, 29.5%। ऑल इंडिया लेवल पर हेड काउंट रेशियो कितना आएगा, 29.5%। देखो, जब अपन ये पढ़ते हैं कमेटी, जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तो बड़ा हौचपौच लगता है क्योंकि सभी लगभग सेम बात कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं फिर एडवाइस कर रहा हूँ, पहले भी बोल दिया मैंने कि एक पेज लो और पेज पे एक साथ इन कमेटीज़ को लिखो, कब डेटा आया, कौन सा डेटा यूज़ किया, कब रिपोर्ट आई, क्या स्पेशल फीचर्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं। जब उनको एक साथ लिखोगे और एक साथ देखोगे कंपेयर करके तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें बेहतर तरीके से कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये जो तेंदुलकर कमेटी है और जो रंगराजन कमेटी है
ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं हमारी कंट्री की जो कि पॉवर्टी के ऊपर बनी। हालांकि रंगराजन कमेटी को एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट कमेटी है। तो प्लानिंग कमीशन ने तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी के बेसिस पे पॉवर्टी को कैलकुलेट करने की कोशिश की। हालांकि ये जो रंगराजन कमेटी है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2012 में और इसने रिपोर्ट सबमिट करी थी 2014 में, और तेंदुलकर कमेटी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2005 में और उसने रिपोर्ट सबमिट करी थी 2009 में। लेकिन प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, प्लानिंग कमीशन ने तेंदुलकर कमेटी की मेथोडोलॉजी को और रंगराजन कमेटी की मेथोडोलॉजी को यूज़ किया और पॉवर्टी लेवल्स को निकाला। 2009-10 के लिए पॉवर्टी लेवल्स तेंदुलकर मेथड के अकॉर्डिंग कितना आया, 29.8%। वहीं रंगराजन ने जो मेथड यूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग कितना आया, 38.2%। इसी मेथड को अप्लाई किया गया 2011-12 की पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए। तो तेंदुलकर कमेटी का जो मेथड था उसके अकॉर्डिंग हेड काउंट रेशियो कितना आया, पॉवर्टी कितनी आई, 21.9%। और रंगराजन कमेटी का जो मेथड था उसके अकॉर्डिंग हेड काउंट रेशियो कितना आया, 29.5%। मतलब तेंदुलकर मेथड को अगर यूज कर रहे हैं तो पॉवर्टी कितनी घटती हुई दिखाई दे रही है, 7.9%। लेकिन अगर रंगराजन कमेटी के मेथड को यूज कर रहे हैं तो पॉवर्टी कितनी घटती हुई दिखाई दे रही है, 8.7%। और बेसिक डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एमआरपी मेथड यूज किया गया है और यहाँ पे एमएमआरपी मेथड यूज किया गया है। ये डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज आप याद रख सकते हो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या कि अगर तेंदुलकर कमेटी के मेथड को यूज करते हैं और रंगराजन कमेटी के मेथड को यूज करते हैं तो इन जनरल ये देखने को मिलता है कि रंगराजन मेथडोलॉजी को अगर यूज करें तो पॉवर्टी के लेवल्स जो हैं वो ज्यादा दिखाई देते हैं इन कंपैरिजन टू तेंदुलकर मेथडोलॉजी। ये डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये सब दिखाने का मतलब ये था कि आपको एक बेसिक कंपैरिजन याद रहे कि अगर हम तेंदुलकर कमेटी के मेथड को यूज करते हैं और अगर हम रंगराजन कमेटी के मेथड को यूज करते हैं तो रंगराजन कमेटी के मेथड के अकॉर्डिंग जो हमारा हेड काउंट रेशियो आता है वो इन जनरल ज्यादा आता है। बहुत सिंपल सी बातचीत। अच्छा, तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी दोनों को कंपेयर करें। तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट कब आई, 2009 में। रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट कब आई, 2014 में। तेंदुलकर कमेटी में पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर को यूज किया गया, इंडिविजुअल लेवल पे पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर को यूज किया गया, डेटा को यूज किया गया। और ये जो रंगराजन कमेटी है इसमें मंथली एक्सपेंडिचर का डेटा यूज किया गया ऑफ फैमिली ऑफ फाइव। ये जो रंगराजन कमेटी है ये इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं कर रही है, ये बात कर रही है कि पांच लोगों की फैमिली का मंथली एक्सपेंडिचर क्या है। ये जो तेंदुलकर कमेटी है ये अभी भी कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बात कर रही है, कैलोरीज के टर्म में बात कर रही है, लेकिन रंगराजन कमेटी जो है वो कैलोरीज के साथ साथ प्रोटीन और फैट को भी इंक्लूड करने की बातचीत करती है। तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग हेड काउंट रेशियो कितना आया, 37.2% अकॉर्डिंग टू 2004-05 डेटा। और ये जो रंगराजन कमेटी है इसके अकॉर्डिंग हेड काउंट रेशियो कितना आया, 29.5% अकॉर्डिंग टू 2011-12 डेटा। ये जो तेंदुलकर कमेटी है ये ऑल इंडिया अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट को यूज करेगी। बेसिकली ये जो तेंदुलकर कमेटी है अभी अपन ने पढ़ा है कि ये अर्बन और रूरल एरियाज के लिए यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन को निकालने की बातचीत करेगी, लेकिन रंगराजन कमेटी एक बार फिर से सेपरेट लाइन बास्केट्स को यूज करने की बात करेगी और बोलेगी कि हमें अर्बन एरियाज के लिए और रूरल एरियाज के लिए अलग अलग पॉवर्टी लाइन के एस्टिमेट्स को रिलीज करना चाहिए। देखो बहुत सिंपल सी बातचीत है, एक बार फिर से अपन देख लेते हैं बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठें। पहली बार में फॉर श्योर आपको हौच पौच लगेगा, मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी लगा था, लेकिन अब इतनी बार पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है कि अब चीज़ें याद हैं, थोड़ा क्लियर है। तो आपको भी एक पेज पर लिखनी है सारी चीज़ें और जब लिखोगे रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। देखो डांडेकर एंड रथ कमेटी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसने कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन को रिलीज किया और कितनी थी पॉवर्टी लाइन, 2250 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। अलग टास्क फोर्स क्या अलग करेगी, ये जो अलग टास्क फोर्स है ये अर्बन और रूरल एरियाज के लिए अलग अलग पॉवर्टी लाइन को रिलीज करेगी। फिर इसके बाद आई लकड़वाल कमेटी, लकड़वाल कमेटी सेम वही डेटा यूज करेगी और सेम वही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी जो कि अलग टास्क फोर्स ने रिलीज किया था। लकड़वाल कमेटी भी क्या बोलेगी कि देखो रूरल एरियाज में 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे होना चाहिए पॉवर्टी लाइन और अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे होना चाहिए पॉवर्टी लाइन। लेकिन स्पेशल क्या था लकड़वाल कमेटी में कि स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइंस को रिलीज करेगी।
तेंदुलकर कमेटी अपने आप में इंपॉर्टेंट कमेटी। ये जो तेंदुलकर कमेटी है ये पॉवर्टी लाइन को कंस्ट्रक्ट करेगी ही नहीं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस देगी। एक तो बोलेगी कि हमें यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन को रिलीज करना चाहिए अर्बन और रूरल एरियाज के लिए। दूसरा, हमें यूआरपी मेथड को छोड़ देना चाहिए और हमें एमआरपी मिस्ड रिकॉल पीरियड को यूज़ करना चाहिए। तीसरा, हमें कैलोरी के साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ को भी इंक्लूड करना चाहिए। फिर रंगराजन कमेटी बनेगी, रंगराजन कमेटी 2012 में बनेगी और ये क्या बोलेगी कि नहीं साहब, हमें अर्बन और रूरल एरियाज के लिए अलग अलग पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करना चाहिए। रंगराजन कमेटी बोलेगी कि सिर्फ कैलोरी से काम नहीं चलेगा, हमें फैट और प्रोटीन को भी इंक्लूड करना चाहिए। रंगराजन कमेटी बोलेगी कि हमें एमएमआरपी मेथड को यूज़ करना चाहिए। रंगराजन कमेटी बोलेगी कि हमें इंडिविजुअल लेवल पे पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, हमें फैमिली ऑफ फाइव के लेवल पे पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करना चाहिए। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो अपन ने देख लिया है। मैं जाते जाते फिर कह रहा हूँ कि इसको एक पेज पर लिखो, पेज पर लिखोगे कंपेयर करोगे तो चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर होंगी। अदरवाइज ऐसे अगर स्लाइड्स में देखोगे, पन्ने पलट पलट के देखोगे तो चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन रहेगा ही रहेगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।